नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त रांची के HCC कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। सुबह का वक्त है, सुबह 7 बज रहे हैं। आपको इस वीडियो को देखकर ताजगी का एहसास हो रहा होगा। मैं आपको काफ़ी चीज़ें अभी दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, आपको अच्छा लगेगा। इसी कॉलोनी में मेरा बचपन बीता है, बहुत सारी यादें हैं और बहुत फ्रेश एहसास होगा आपको। बहुत अच्छी जगह है, प्यारी सी जगह है, सुंदर जगह है। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, दिखाना शुरू करता हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, ये HCC कॉलोनी का मेन रोड है, सबसे मेन रास्ता। ये सामने जिस ओर आप देख रहे हैं, ये मेन सिटी की तरफ ये रास्ता जाता है। यहाँ से एयरपोर्ट करीब 3-4 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन करीब 7 किलोमीटर है और मेन सिटी भी 8-8.5 किलोमीटर है। थोड़ा सा मैंने पैन किया, देखिए ये रास्ता है। ये JSCA जो नया क्रिकेट स्टेडियम है उधर जाता है। हाई कोर्ट की जो नई इमारत बनी है वो यहाँ से 2 किलोमीटर है। नया वाला विधानसभा जो झारखंड का है वो यहाँ से 3 किलोमीटर है। आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा होगा। और ये जो सामने जो रास्ता दिख रहा है, मैं अब उसके अपोजिट दिखा रहा हूँ, पहले जिधर दिखा रहा था, ये HCC प्लांट की तरफ जाता है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट HCC। देखिए HCC का एक प्लेट दिख रहा है आपको। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। सुबह दफ्तर जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले लोग जा रहे हैं और मैं काफ़ी देर से मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ और कुछ देर तक आपको करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। आमतौर पे कॉलोनी में बहुत शांति रहती है। सुबह थोड़ी एक्टिविटी आपको स्कूल और दफ्तर जाने वालों की है, इसलिए थोड़ा सा हलचल है। आपको बाइक्स, कार और ये सब जो स्कूल बसेस, ऑटोज, ये दिख रहे हैं। आपको हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में बताता हूँ। जैसा मैंने बताया कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, 1958 में। HCC जो है वो बेसिकली डिफेंस सेक्टर, स्पेस रिसर्च, माइनिंग, स्टील क्षेत्र, इसके लिए इक्विपमेंट्स बनाने का काम करता है। तो जिस रास्ते पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये रास्ता वो प्लांट की तरफ जाता है। ये कॉलोनी जो है सेक्टर वाइज डिवाइडेड है। अभी मैं सेक्टर 3 के आसपास हूँ। सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 1, इस तरह से है। बेसिकली 4 सेक्टर हैं। जब 1958 में इसकी स्थापना हुई, 60 के डेकेड में कॉलोनियाँ बनी यहाँ पे, तो उस ज़माने में इसको बहुत आधुनिक कॉलोनी, बहुत सुंदर कॉलोनी माना जाता था। हम लोग के पिताजी लोग जब आके यहाँ पे, वो 70 मेरे पिताजी 70 के शुरुआत में आके सेटल हुए थे यहाँ पे, 1970 था, तो इसके खूबसूरती से ही अट्रैक्ट हुए थे लोग। उस समय जो अपना एंसेस्ट्रल प्लेस वो सब छोड़ने को तैयार नहीं होते थे उस टाइम में, तो लेकिन उनको यहाँ की खूबसूरती बहुत रास आई थी, फिर उन्होंने डिसाइड किया था कि वो यहाँ रहेंगे।
और फिर हम लोग भी यहीं पैदा हुए और 12th तक की पढ़ाई हुई मेरी, तो इसी कॉलोनी में हम लोग रहते थे। तो बचपन से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। ये पेड़ वेड़ उस समय भी थे, धीरे धीरे ये हम लोग के सामने बड़ा हुआ और अब तो काफ़ी मैच्योर पेड़ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मॉर्निंग वॉक करने का बहुत आनंद है। अभी बहुत पीछे जहाँ से मैंने वॉक शुरू किया था, बहुत अच्छी चाय मिल रही थी वहाँ पे, तो मुझे कुल्हड़ बड़ा डिफरेंट लगा जिसमें मैंने चाय पी, तो ये भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो चाय के साथ शुरुआत की और अभी लंबा जाऊंगा आगे आगे और दिखाता हूं आपको। ये दूर में जो आपको दिख रहा है वो गोल चक्कर कहलाता है, वहीं से प्लांट शुरू होता है चीसी का। इधर आगे आगे थोड़ा से इस साइड आगे बढ़ेंगे, सूर्योदय के समय सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी आ रही है। और सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने गूगल में चेक किया, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 79 के आसपास है, क्योंकि दिल्ली में अभी 250 से कम कभी नहीं रहता है नवंबर के महीने में, वो 450-450 तक चला जाता है, क्योंकि उस पर बहस होती है, उस पर चिंता जाहिर की जाती है। ये जो ये कॉलोनी का जो रास्ता अंदर जा रहा है ये एफ टाइप करके कहलाता है। पहले HEC के बड़े ऑफिसर्स इस इलाके में रहते थे, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, जनरल मैनेजर्स। आजकल झारखंड सरकार के मंत्री रहते हैं यहाँ पे। देखिए HEC का एक बोर्ड आपको दिख रहा होगा। तो जब झारखंड की स्थापना हुई तो इसी HEC कॉलोनी के बिल्डिंग में, HEC के हेडक्वार्टर में सेक्रेटरीट बनाया गया, CM ऑफिस बनाया गया, वो सब इसी रास्ते में है। ये रास्ता उधर ही जा रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा मॉर्निंग वॉक में मेरे साथ। एक दो घंटे के बाद जब ऑफिस आवर और स्कूल आवर के जाने का वक्त जब ख़त्म होगा तो बहुत शांति नज़र आएगी कॉलोनी में। उसमें सबसे मेन रोड में मैं हूँ, हल्का सा कॉलोनी में प्रवेश करेंगे तो इतनी शांति है कि महानगर में रहने वाले उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि HEC में 3 प्लांट है। अभी वो जो गोलचक्कर सामने नज़र आ रहा है उसके लेफ्ट में HMTP है, हेवी मशीन टूल्स प्लांट, और HMBP है, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, वो उसके आगे है, और एक FFP है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट करके। तो HT के टिकट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी जो इस कंपनी की, इस प्लांट में करीब 22,000 लोग काम करते थे। धीरे धीरे जब PSU की हालत ख़राब हुई तो लोगों की संख्या घटने लगी, तो जो कि अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है फिगर, लेकिन ये मुझे पता है कि 2,000-3,000 के आसपास वो स्ट्रेंथ हो गया था। एग्जैक्टली अभी कितना है मुझे नहीं पता है। तो रौनक में थोड़ी सी कमी आई चूँकि लोगों की संख्या घटी, हालांकि HEC ने जो अपने जो फ्लैट हैं, अपने जो कॉलोनी में जो फ्लैट थे वो अपने एम्प्लॉय को ही उन्होंने
उसको बेच दिया, तो लोग रह गए कॉलोनी में मिला जुला के। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वॉक पूरा करता हूँ, तो काफ़ी लंबा वक्त आपका ले लिया। और भी रांची में मुझे जो भी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, हमेशा की तरह हर ट्रिप में मैं शेयर करता हूँ, तो आपसे शेयर करूँगा, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, नमस्कार।